welcome back to my channel and welcome to a quirky travel vlog. I am in Puducherry Pondicherry and I'm so excited. This is going to be a teeny tiny short trip. Ishan and me were planning ke beech mein aise weekend ke time kahan pe ja sakte hai. We were really missing summer and Delhi mein itni zyada thand thi, so we thought ke 2-3 din ke liye Pondicherry aa jate hain. Main pehle Pondicherry ghumi hui hu. I also vlogged it because it was a very special trip for me and my family. Hum kafi saalon baad ek trip pe together gaye the when we could afford it, and is टाइम मैं बस ऐसे ही तफरी मारने आई हूँ. लाइक ईशान ने कभी पांडिचेरी नहीं देखा है एंड आई रियली वॉन्टेड हिम टू एक्सपीरियंस दिस. उसका भी काफी मन था आने का, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप. हम एक्चुअली सुबह की फ्लाइट से कल लैंड हो गए थे एंड यहाँ पे पांडिचेरी की दिल्ली से जो फ्लाइट होती है ना, वो बीच में बहुत स्टॉप ओवर्स वाली फ्लाइट होती है एंड दे आर वेरी लाइक 15-12 आवर्स लॉन्ग. सो इट्स बेटर कि अगर आप भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप दिल्ली से सीधा चेन्नई की फ्लाइट लो एंड चेन्नई से 3 आवर ड्राइव है. आप ओला या उबर रेंटल ले सकते हो, वहां पे भी ऑन द स्पॉट आपको कैब्स मिल जाती है एंड 3 आवर ड्राइव बहुत ही सुंदर होती है. इतने सुंदर सुंदर पेड़ आते हैं कोकोनट के, कोकोनट वाटर पी सकते हो आप. काफी बीच बीच में स्टॉप ओवर्स साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड. एवरीथिंग इज सुपर चीप एंड बजट फ्रेंडली. सो यही हमने किया एंड कल आके वी जस्ट टुक रेस्ट. मेरे को लगा कि मैं व्लॉग अगले दिन से शुरू करती हूँ बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड. एक दो रातों से पहले भी मैं नहीं सोई थी एंड फ्लाइट भी एकदम जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठना होता है. सो आई वॉज सो टायर्ड एंड मैं पूरे रास्ते आई थिंक जर्नी में भी काफी नैप्स लेती आई थी. वी एट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, सो आई हैव मेड अ सेपरेट शॉट अगर आपको देखना है कल के दिन मैंने क्या किया, वट आई एट ऑन माई ट्रैवल डे. बट इट वॉज सुपर कूल. कल हमने यहाँ पे आके चेक इन किया था. आई एम स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी, सेरेनिटी बीच पे है ये. दिस इज एन एयरबीएनबी, मैंने एयरबीएनबी से ही बुक किया था. दिस टाइम आई वॉन्टेड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक्चुअली ईशान का आइडिया था कि होटल की जगह हम एक एयरबीएनबी बुक करें जहाँ पे थोड़ा सा एक रॉ एक्सपीरियंस हो पांडिचेरी की लाइफ का, नॉट लाइक लग्जरी, क्योंकि होटल्स जनरली ना सारा उनका स्टे सेम ही होता है. इट्स लग्जूरियस, इट्स ग्रेट, बट आई एम स्टेइंग हियर एंड दिस इज कॉल्ड सेरेनिटी गार्डन स्टूडियो. आई हैव लाइक 50-50 थॉट्स अबाउट दिस प्लेस टू बी रियली ऑनेस्ट. लाइक यहाँ पे पानी कभी आता है कभी नहीं आता है. एसी रात को बंद हो गया था एंड फूड वगैरह तो चलो एयरबीएनबी में नहीं मिलता है, खुद ही आपको अरेंज करना पड़ता है. बट जस्ट ऑल इन ऑल जो उन्होंने फोटोज में दिखाया था कंपेयर टू व्हाट आई सॉ हियर इज लाइक अ लिटिल टाइनी, बट नॉनदरलेस द पीपल हियर आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर मना कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हमारी. हमने 3 नाइट्स एंड 4 डेज का 21K पे किया है एंड आई डोंट फील लाइक इट्स अप टू द मार्क. बाकी अगर एंड में अच्छा हो जाता है हमारा एक्सपीरियंस तो आई विल लेट यू नो. बट होपफुली आज व्हाइट टाउन में कुछ अच्छा मिले. आज का प्लान एकदम चिल है. आई डोंट स्पेसिफिकली नो कि मैं इस व्लॉग में क्या करने वाली हूँ. इट्स जस्ट अ फन चिल ट्रिप. तो अभी हम जाने वाले हैं आई थिंक व्हाइट टाउन या यहाँ सेरेनिटी वाले एरिया में से किसी एक जगह हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद आई रियली वॉन्ट टू टेक ईशान टू पैराडाइज बीच बिकॉज आई थिंक मेरे पुरानी ट्रिप में से दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड. या आई होप यू आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस चिल प्लस एडवेंचरस पांडिचेरी व्लॉग. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. All right, I'm all packed and I am leaving. Hopefully, Ishan is outside only. Let us see. So yeah, he's here. बाहर ही बैठे हैं जनाब. Look at his cool, cool outfit. I really like this. बहुत गंदा लग रहा हूँ, मत करो. तू बहुत अच्छा लग रहा है यार. दो मिनट position देख. You look so chill. देख कौवा भी compliment कर रहा है तुझे. Yeah, only कौवा can compliment. You guys, मैं इस जगह के बारे में आपको बता रही थी. अंदर का तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन बाहर ये जो सिटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा है एंड यहाँ से ऐसे स्टेयर से चढ़ के जाते हैं. इट इज़ क्वाइट सरीन क्योंकि ये सेरेनिटी बीच पे है. बट द ओनली थिंग इज़ हमने इसीलिए एक्चुअली बुक किया था कि यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधों के बीच में शांति में रहेंगे. बट दिस विला इज़ लिटरली ऑन द मेन रोड हाईवे के पास. यहाँ पीछे ही इतना ट्रैफिक जाता है एंड जाम भी लगता है एकदम यहाँ पे. तो अब हम आ गए हैं बाहर. ये है हमारा सेरेनिटी गार्डन स्टूडियो एंड ये है हमारी सवारी फॉर 3 डेज. सो दिस इज प्लेजर एंड ये हमने रेंट पे लिया है. कितना रेंट है इसका? इसका 350 350 रुपीज रेंट है पर डे एंड पेट्रोल इसमें 1 लीटर भरा हुआ है, बाकी हमें भरवाना है अपनी तरफ से. एंड इट्स प्रीटी गुड, इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स ग्रेट फॉर छोटा मोटा इन सिटी ट्रैवल. लेट्स गो. अपना घर की तरह लॉक करके जा रही हूँ इसको मैं. दिस इज हाउ द एरिया लुक्स यू गाइस. दिस इज आवर एयरबीएनबी. चल ठीक है, मैंने अंदर स्लैक्स वगैरह तो पहनी है.
फेल हो गई कॉफी जान की. द सर्विस हियर इज रियली बैड, रियली डिलेड, एंड हमें बहुत देर बाद खाना मिल रहा है. हाफ ऑफ द थिंग्स ऑन द मेन्यू आर नॉट अवेलेबल. इतने मुश्किल से यहाँ पे नंबर आ रहा है. वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड ब्रेड एंड चॉकलेट, जो कि मैंने बहुत इंस्टाग्राम पे सुनी थी एंड इट्स वेरी लाइक हाइप्ड. जो पहले मैं आई थी ना पौंडेचेरी में, कोरोमंडल कैफे एंड शांति विला शांति, मैंने चेकआउट किया हुआ है. आई रियली लाइक दैट प्लेस, बट इस टाइम पे क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और आज आई थिंक संडे है, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर बुकड है या फिर जगह ही नहीं मिल रही. मतलब रात को भी हमें नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिल रही. सो फाइनली यहाँ पे काफ़ी वेट करने के बाद हमें ब्रेड एंड चॉकलेट में जगह मिल गई है. सो एक ऑर्डर्ड कॉफीज एंड ईशान ने शाकशुगा मंगाया, मैंने एक सैंडविच मंगाया है एंड क्रोसॉन्ट वगैरह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, विच आई एम बम्ड अबाउट. So I just got done with my order and I have to tell you guys that this one, एक barbecue chicken sandwich मंगाया था मैंने. It was amazing. I mean the sauce that they gave with it, marinara sauce जो इन्होंने दी थी, it was just amazing. This is what I use at home. जब मैं pasta बनाती हूँ ना, मैं specially एक पूरा tub मंगाती हूँ उसका and पूरा pasta में डाल देती हूँ and बहुत सही flavor आता है. So it was great. And Ishan is having shakshuka, tomato shakshuka with sourdough bread, and इसको भी ये tasty लगा काफ़ी. Their food is actually really amazing. I wouldn't say कि food की वजह से overhyped है, but I just feel like tourist season में क्योंकि इतना heavy सब कुछ हो जाता है ना, they just need to work better on their attitude and just एक communication होना चाहिए staff के बीच में, ताकि अच्छे से like हम इतनी देर तक बैठे हुए थे table पे, एक मेन्यू नहीं दी गई, पानी नहीं दिया गया, आधे घंटे तक हम बैठे थे, we were waiting, पानी मांगने के बाद भी इतनी देर से पानी आया. सो इट्स जस्ट दैट अगर ये प्रॉम्प्टली खुद ही कर दें तो वो बेटर रहता है, एंड आई थिंक इन्हीं का फ़ायदा होगा कि जल्दी जल्दी कस्टमर निपटेंगे और नए वो ले पाएंगे. बट या बाकी का रिव्यू बाद में, जब ईशान खाना ख़त्म कर लेगा. आई नीड टू फिनिश माई कॉफी. ये मैंने सेकेंड राउंड मंगाया बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो ग्रेट. द फूड इज एक्चुअली नॉट बैड, इट्स गुड. बट या लेट्स सी. सेरेनिटी बीच, अपने घर के पास आ गए हम एंड आई एम एंजॉइंग दी. ओ माई गॉड, दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर. Promenade Beach. We finally got a seat at Coromandel Cafe. यहाँ मैं last time आई थी and I had such amazing pasta. बहुत अच्छी cocktails try की and यहाँ से सीधा actually paddle का रास्ता है and we went to Promenade Beach. वहाँ से हमने gelato उठाई है. So Ishan is having coconut gelato and एक doggy बहुत irritate हो गया है. And I'm having pistachio. It's so good. I plan on coming here again and मैं फिर berries वाला और कुछ fruity try करूँगी. मेरे को अभी भी fruit खाने का मन कर रहा था but ये वाली बहुत tasty निकली. So we're just having some ice cream. We'll go to our hotel and doze off. कल मिलते हैं.
I know you come as you please, still I wait so patiently. Your kiss is so heavenly, you made a pagan believe. Your love is safe with me, I'm done with self-misery. Your touch is so heavenly, you made a pagan believe. You made a pagan. Hello you guys, good morning. We are having breakfast at Bread and Chocolate, jahan hum kal bhi aaye the. So this is the only place that we could find jahan pe waiting bhi kam thi and it was open for us. तो सबसे पहले मैंने ये चॉकलेट पॉसॉम मंगाया हुआ है. आई एम सो सॉरी, मैं बहुत गंदी तरह से बोली हूँ. शान ने लिया है मेडिटेरेनियन सैंडविच और मैंने एक मैक्सिकन बोल ऑर्डर किया है जिसके साथ अंदर मैं उसमें ग्रिल्ड चिकन डलवाने वाली हूँ. अच्छे कैसा निकलता है, आई एम जस्ट ट्राई दिस पॉसॉम फर्स्ट. So long silent movies, quiet dances on the street. अच्छा है ना, बहुत टेस्टी लगा मुझे. या ईशान इज ऑल्सो ट्राइंग द क्रोसॉन. कैसा लगा? आई जस्ट हैड अ बाइट ऑफ दिस. इतना टेस्टी लग रहा है. अभी मैंने मशरूम ही खाया है बट आई एम जस्ट गोना मिक्स दिस एंड ईट. एंड ये तो है मेरी फॉरएवर फेवरेट मोका, आइस मोका. बहुत टेस्टी है. दैट्स गोना बी आवर ब्रेकफास्ट. बाय रोड आए हैं. 15 से 20 मिनट का रास्ता था वाइट टाउन से एंड बहुत मज़ा आया. लास्ट टाइम मैं फेरी से आई थी, इस टाइम पे मैं स्कूटी से आई बिकॉज आज वो जो बोट हाउस से फेरी वगैरह करते हैं ना वो बंद है. आज मंडे है सो वी हैव चेंजिंग रूम्स एंड टॉयलेट्स राइट हियर. वहाँ पे हम चेंज करेंगे. मैं अपना स्विम सूट लाई हूँ. आई एम गोना टेक अ डिप इन द ओशन. Not only me falling, the sign around. As the ocean glows like we're in a movie. You got so much sand on your body when my hands be moving softly. By the look in your eyes, we had the same gig in life. Now I know too much has been said. I take myself on adventure instead to build a new way of life. Okay, guys, I didn't swim. I just got some good photos, some shots, and थोड़ा सा मैंने water में enjoy किया, whereas ईशान ने बिल्कुल भी नहीं किया.
बिकॉज यहाँ पे ना वो अंदर जाके स्विमिंग अलाउ नहीं कर रहे, यू कैन जस्ट डिप इन योर टोज एंड इतना जस्ट ऊपर ऊपर सरफेस लेवल का है. सो वी थॉट इससे बेटर प्लेस हमारा सेरेनिटी बीच है जहाँ पे हम रह रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे कल ईशान और मैं स्विमिंग के लिए गए थे. आई डोंट नो इफ आई रिकॉर्डेड इट, बट या ये तो गया था, मैं नहीं गई थी. सो वी आर थिंकिंग वहाँ चलते हैं. तभी मैंने अपना स्विम सूट पहना हुआ है, बस उसी के ऊपर मैंने कवर अप कर लिया है, पैंट पहन ली है. सो वी आर जस्ट गोइंग, जबरदस्त टैन होने वाले यहाँ पे पैराडाइज बीच. अब जाके आई थिंक लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था बहुत सुंदर है, अभी भी बहुत सुंदर है, बट थोड़ा सा हाइप अप हो गया है. एंड आई डोंट नो, सेरेनिटी बीच हमें ज़्यादा कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है, घर के बिल्कुल पास है हमारे एयरबीएनबी के. सो वी विल ड्राइव देयर एंड वहाँ पे फिर से हम डिप करेंगे. लेट्स गो. I know too much has been said. I take myself on adventure instead to build a new way of life. Welcome back to Serenity Beach. Yeah, aate hi machli ki jo smell aati hai. But yahan pe chote chote aise cafes hain. Cafes, dhabe. And yahan boats hoti hai. We're just walking. I'm showing this to you guys because jab main do din se yahan pe aa rahi hu to sham ko aati hu ya fir odd timings pe aati hu. Raat ko aati hu to theek se view nahi dikh pata hai. So this is your are going to swim here. Hopefully Ishan bhi ab neela hoga. Are you gonna get wet, Ishan? Mmm.